देखो एक जगह हमको ये समझ आया कि बहुत सारे की लोगों की लाइफ में डेयरिंग जो है ना वो सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट है राइट अगर वो डेयर ना करे तो वो जी भी नहीं पाए येस और नो राइट कंसिडर जिन इकोनॉमीज की मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोग लो रोज सुनते हो यू you नो know, इमाम से डेयर ना करे तो वो जी भी नहीं सके द काइंड ऑफ लॉज दे ऑफ उनके ऊपर जो बंदिशें उनके ऊपर जो रुकावटें हैं उनके ऊपर जो गवर्नमेंट ने या पॉवर्टी ने रिस्ट्रिक्शन डाली है मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ मिनट अपने आप को उस चूज में डालो कि आपके घर पे खाने को ब्रेड नहीं और ग्यारह लोग रहते हैं अब आप क्या करोगे जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर फॉर अ मिनट लेट मी एज दिस क्वेश्चन टू अशरफ रतानी अपने आप को इमेजिन करो उस पोजिशन में हाउ वुड यू नेक्स्ट डे भी आप एज ह्यूमन आपकी क्या सोच होगी आपकी क्या थॉट ये और नो आज बहुत सारे यूथ फाइनेंशियल स्ट्रगल में बहुत सारे मिलियन के बिजनेसिस खत्म हो गए जिन्होंने फाइनेंशियली सेव करके रखा था क्योंकि तो इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया उन्होंने जो हिसाब से सेव किया था उनके हिसाब से थर्टी फोर्टी थाउजेंड डॉलर में वो पार्टी करने वाले थे आज उन्होंने देखा थर्टी थाउजेंड डॉलर और साल में तीसरे महीने में खत्म होगा येस और yes नो राइट no? right? तो वो क्या करें राइट right? जीना छोड़ दें सो दे एट द एज ऑफ सेवेंटी माइट है अब मैं क्या करूँ तो वही सिचुएशन आ गई अफगानिस्तान वाली कि तेईस साल की लड़की या तीस साल की माँ या चालीस साल का फादर बाहर निकल के बोले आज मैं बच्चे को डबल रोटी कैसे दिलाऊं यस और नो सेम सिचुएशन है राइट right? तो जब आप एक पॉइंट पे आ जाते हो ना ऑथर यही समझा रहे ये समझने की कोशिश करो जिसको कहते हैं माउंटेन डिप कहते हैं इंसान की लाइफ में चेंज क्यों नहीं आता क्योंकि वो हमेशा खड़ा हुआ यहाँ देख रहा होता है बोलता है बहुत डिस्टेंस है जब यहां आऊंगा ना तो डेरिंग करूंगा क्योंकि इस वक्त मेरे पास शायद आखिरी डॉलर बच जाएगा इस वक्त मेरे पास आखिरी ब्रीद बच जाएगी इस वक्त मेरा सारे सहारे खत्म हो जाएंगे सारे दोस्त खत्म हो जाएंगे सारे जब सब मुझे मना कर देंगे ना फिर मैं अपना एक्शन दिखाऊंगा के डू और डाय मैं जाके हासिल कर लूंगा येस और नो कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं सो ये जो डिस्टेंस है ना अच्छा सुनने में बिटर लगेगा बट सच्चाई बिटर होती है ये हमारा सेफ जोन होता है ठीक है और हम जितने ज्यादा ऊपर वाले ने हमें ब्लेस किया है ना उतने ज्यादा हम लोग पैम्पर्ड रहते हैं ठीक है भले हमने कल बहुत मेहनत की होगी बट आज हमें सब मिल गया है ना तो आज हम पैम्पर्ड हो गए येस और नो राइट कितने लोग अग्री करते हैं रेज योर हैंड ऑनेस्टली ठीक है हम अपने आप को रीजन देते रहते यहाँ खड़े हुए अरे ऊपर देख रहे हैं मैं तो सिक्सटी सेवन हूँ मेरे में जान नहीं है मुझे तो डॉक्टर ने बोल दिया ये भी है मेरे तो घर वाले बच्चे भी मना करेंगे क्या बोलेंगे रहेंगे सबसे ज़्यादा हंसेंगे मुझे तो गाड़ी ड्राइव करना नहीं वो सारे रीज़न देखो मैनी ऑफ यू आर लाफिंग बिकॉज यही रीजन देते हो ना अपने आप को रोकने के और क्या देते हो बच्चा सपोर्ट नहीं कर रहा बेटा सपोर्ट नहीं कर रहा बहू सपोर्ट नहीं कर रही किसी का कोई मसला ही नहीं है एवरीबडी इज सो बिजी इन देर ओन थिंग्स आप बस रीजन पे रीजन निकाल रहे हो उसको टालने के लिए यस और नो ऑनेस्टली हाथ टॉप आज आप अगर यहाँ पे खड़े हुए हो और समझो एट द एज ऑफ सेवेंटी आपको कोई बिजनेस शुरू करना है ठीक है आप फाइनेंशियली बुरी कंडीशन में आ गए हो बीइंग ए सीनियर या आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आप बोलो यार जिंदगी में करने कोई कुछ नहीं है राइट तो क्या ऐसे ही चलती रहेगी डिप्रेशन में कुछ ना कुछ करना है राइट right? या आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है एंड यू आर वेटिंग यू आर प्रेइंग और आप बोलो यार बहुत हो गया छः साल से वेट हो रहा है चार साल से वेट हो रहा है तीन महीने से वेट हो रहा है आपको फौरन से इस पोजिशन से जंप करके इस पोजिशन में आना पड़ेगा अच्छा ये पोजिशन है क्या ये पोजिशन वन है ये पोजिशन टू है और ये पोजिशन थ्री है ये जो पोजीशन है ना मैं कलर चेंज करता हूं ये है पैम्पर्ड पोजीशन जैसे मैंने आपको बताया कि आप संभाल के खेलना चाहते हो कि नहीं लग तो नहीं जाएगी सीनियर हो गयी हूँ ना गिर गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा कौन उठाएगा इस उम्र में कौन हंसेगा कौन क्या करेगा अमेन इफ यू आर लाफिंग ये वही सब रीजन है अच्छा यंगस्टर को दोगे ना तो वो बोलेगा यार अभी तो मैं बहुत यंग हूँ एम नन्ना गाय मैं जब एडल्ट हो जाऊंगा ग्रो हो जाऊंगा तब मैं रिस्क लूंगा अभी तो मेरा करियर शुरू हुआ बच्चे को बोलोगे तो तुम बहुत छोटा है बड़े को बोलोगे तो मतलब हर आदमी के पास रीजन की भरमार है येस और नो एक आदमी का रीजन दूसरे के लिए सुकून होता है राइट वो बोलेगा बड़ा हो जाएगा तो करूंगा वो बोलेगा आप तो बहुत बड़ा हो गया थोड़ा छोटा होता तो करता तो करेगा कौन करेगा वो आदमी जो यहाँ खड़ा होगा सो ये हमें बात समझ आई कि एक इंसान की फिजिकल स्टेट होती है ठीक है कि मेरे पास जेब में कितने पैसे पड़े हैं मेरी हेल्थ कितनी है मैं कौन हूँ क्या हूँ लेकिन एक मेंटल स्टेट भी होती है कि क्या वो टाइम आ गया है कि अब मैं ना राइट देखूंगा मैं लेफ्ट देखूंगा मैं कूद जाऊंगा आई विल जंप ऑन इट विदाउट थिंकिंग कि क्या होगा देखा जाएगा मुझे बस हासिल करना है ये और नो कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि ये फिजिकल स्टेट कम है और मेंटल स्टेट ज्यादा है हाथ लाओ तो अब आ जाते हैं कि वो मेंटल स्टेट अच्छा ये समझ आ गया कि जैसे ही सोच लिया ट्रिगर पुल कर दिया आर्मी वाले के सामने जब दूसरा सिपाही आ जाता है कंट्री का तो या तो वो बंदूक से गोली चला के उसको मार देता है या तो वो नहीं चलाता तो सामने वाला उसको मार देता है दूसरा कोई रास्ता नहीं होता येस और नो राइट ये सिचुएशन ऑफ वॉर है राइट सक्सेस सो बैडली कि आपने बोला भाई या तो वैसे ही खत्म हो रहा हूँ वेट खो हो के तो चलो एक साथ ही खत्म हो जाता हूं या तो हासिल कर लूंगा ठीक है फिर उसमें आपका कॉन्फिडेंस अच्छा इमाम अली का कॉल है व्हेन यू हैव फियर फॉर समथिंग बेटर टू डू दैट फियर खत्म हो जाता है तो यहाँ खड़े हुए आदमी देखो यहाँ से यहाँ अब देखो यहाँ से यहाँ कितना बड़ा डिस्टेंस है सक्सेस तक का डिस्टेंस बहुत बड़ा है लेकिन जो सक्सेसफुल बनने का डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है लेकिन वहां हम रुक क्यों जाते हैं सेफ जोन की वजह से कि नहीं यार गिर गए तो फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे हंसेंगे मैंने तो कभी ये काम पहले किया नहीं छह दफा पहले भी मैं फेल हो चुका हूं ठीक है ये डिस्टेंस क्यों हम पार नहीं कर सकते लेट्स टॉक अबाउट इट फॉर अ मिनट रोडियोज एंड ऑल दैट राइट वो बोल पे बेचते हैं और कैसा फेंकता है वो आगे राइट right? तो पीपल इंजॉय दैट बुलसिव एनिमल राइट काओ को थोड़ा सा मारोगे तो वो आपके हिसाब से चलेगी भी ग्रास भी खाएगी वो भी खाएगी इंसान दोनों का गोश्त काट के खा जाता है सो इंसान को तो छोड़ ही दो साइड में लेट्स टॉक अबाउट द जनेटिक्स जब तूफान आता है ना जंगल में तो काव जो होता है ना वो पीछे की तरफ भागता है और तूफान काव के पीछे भागता रहता है काव भागता रहता है भागता रहता है भागता रहता है तूफान पकड़ता रहता है पकड़ता रहता है एक टाइम आता है काव थक जाता है तूफान उसको ले जाता है स्मैश खत्म नॉकआउट आउट काव मर गया ठीक है या काव दरख में घुस गया या उसका हार्ट टूट गया पैर टूट गया मिजरी हो गई खलास राइट बुल जो होता है ना वो रिवर्स में नहीं जाता इसने जो बात बोली ना अभी नर्गीस ने वो आंखों में आँखें डाल के देखता है बोलता है कोई बात नहीं पीछे मोड़ा तो वैसे ही भी मार देगा ठीक है हिम्मत पकड़ते सामने तूफान है बुल बहुत बड़ा है बट तूफान उससे हजार गुना बड़ा है ठीक है तो आप जितने भी बड़े हो या छोटे हो आपकी मुश्किल आपसे हजार गुना बढ़ी है ये और नो आपकी बीमारी आपसे बहुत बड़ी है आपके पैसे खत्म हो रहे हैं इन्फ्लेशन आपको हिट कर रहा है वो बहुत मसला आ रहा है लोग आपको टीज कर रहे हैं आपके दोस्त नहीं बन रहे आपका अकेलापन बहुत बड़ा है राइट येस और नो जो भी आपका चैलेंज है वो बहुत बड़ा है जो भी आपका दुख है वो बहुत बड़ा है यस और नो तो आप काओ भी बन सकते हो कि भाई मेरे बस की तो बात नहीं है आंख बंद करो भागो ठीक है तो तो कुछ है ही नहीं ना या तो उठा के फेंक देगा तूफान या तो जख्मी कर देगा या तो मार देगा तीनों के अलावा और कोई हल नजर नहीं आता ठीक है बुल जो होता है ना बोलता है मैं देखता हूँ कि कितना मुझे सताता है तूफान तो बुल सींग तैयार करता है और बोलता है दौड़ लगाओ और तूफान के साथ भागता रहता है और तूफान यहाँ से स्मैश कर रहा होता है बुल को पड़े मार रहा होता है जोर जोर से विंड डारी होती है गिरा रहा होता है बुल वापस उठता है वापस भागता है वापस उठता है वापस भागता है चार पांच 6 आठ दस दफा गिरने के बाद बुल देखता है अरे तूफान तो निकल गया तो नाउ बुल हैज कॉनक्र्ड द हेवी विंड्स एंड स्टॉर्म तूफान पीछे और बुल आगे अब बुल जब खड़ा होता है 11वीं दफा अपना झाड़ता है जिस्म को तो वो जो ताकत होती है उसकी वो तो कम हो गई होती है क्योंकि थक गया होता है लड़ लड़ के लोगों से तो उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है बट मेंटली पहले से दस गुना पावरफुल हो जाता है 2011 तक दुनिया आईक्यू के पीछे क्रेजी थी करंट अफेयर्स एप्टीट्यूड टेस्ट आप मैं सब हम उसी तरह बड़े हुए होंगे टेस्ट के लिए डिबेट करते करते दो के बाद कोविड के बाद लोगों ने समझा नहीं कोविड आया उसमें आधे लोग तो इमोशनली फारिक जो थे वो ख़त्म हो गए कोविड ने बाद में मारा इमोशन ने पहले मार दिया येस और नो आप सब ने विटनेस किया कि नहीं किया एलोन मस्क ये कहता है मजाक करते हुए कि बहुत सारे लोगों ने बूस्टर नहीं लगाया आज भी वो जिंदा है तो मुझे डाउट है कि पानी मार के तो इंजेक्शन में नहीं दे दिया था और बिलियंस ऑफ डॉलर्स बना लिए मेडिकल के अंदर एक चीज होती है हमने पढ़ी है उसको कौन सा इफेक्ट कहते हैं आई आई एम फॉरगेटिंग द नेम बट उसमें डॉक्टर के पास इलाज नहीं होता आपका और वो आपको मीठी गोलियां या पानी वाला इंजेक्शन या ड्रिप वाला इंजेक्शन डाल के लगाता है और कहता है आपका इसके बाद मसला oh, जाएगा कितने लोगों ने ये बात पढ़ी है उसको कोई इफेक्ट कहते हैं बट आई डोंट रिमेम्बर दैट नेम बट मेडिकल साइंस की बुक में है वो राइट right? उसने बोला इ क्यू ये करता है आप सबने सुना है आमिर खान बोलता है ऑल 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 इज 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 वेल 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 बोलते यार चौकीदार तो बहरा था और अंधा था चोरी इसलिए नहीं होती थी कि लोगों का था चौकीदार बोल रहा है जागते रहो तो सब सो जाते थे राइट लेकिन एक दिन चोरी हुई तो पता चला चौकीदार तो अंधा भी और बहरा भी है लेकिन सब सुकून से सोते थे क्योंकि ई क्यू क्या कहता था तो आज कॉर्पोरेट अमेरिका या बड़ी बड़ी कंपनी के ओनर या फैमिली में देखो कभी कभार बच्चा छोटा होगा एज में बट मेचोर होगा और बड़ा दिमागी तौर पे इतना मेचोर नहीं होगा छोटी छोटी बात पर लड़ रहा होगा नाराज हो रहा होगा बच्चा समझा रहा होगा येस और नो कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं ठीक है उस बच्चे में शायद इंटेलिजेंस कम है बट इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा है आज दुनिया को इंटेलिजेंट लोग नहीं चाहिए वो काम चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लेगा जो काम रोबोट नहीं कर पाएगा वो है इमोशनल मैनेजमेंट कि शहनाज की एक पर्सनालिटी है उससे काम निकलवाना है तो तरीका कुछ और होगा अशरफ रतानी से काम करवाना है तो कुछ और होगा तो शहनाज की बॉस कुछ सही नहीं कर रही है बट उसके पास वो जॉब भी कर रही है तो जाके सीधा सीधा बोलेगी तो बैक फायर भी हो सकता है तो कैसे एथिक्स को भी पकड़ के रखना है जॉब्स को भी बचाना है राइट ये मैं बहुत सारे डेरिंग लोगों की स्टोरी शेयर कर रहा हूँ आप में से हर एक आदमी वो स्टोरी शेयर नहीं करता बट ये चैट जीपीटी नहीं सिखा सकता यस और नो ये काम हमें कौन सिखा रहा है ये इम्पावरमेंट क्लास सिखा रही है हम सब मिल के सीख रहे हैं कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं कि आपका क्लास में बढ़ क्या रहा है आप इतने खुश क्यों और माशाल्लाह इधर उधर होने के बाद मैं भी और आप भी पहुंचने की कोशिश क्यों करते हो क्योंकि हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस स्ट्रांग हो रहा है दुनिया में कोई ऐसा कोर्स ही नहीं है जो ये स्ट्रांग कर रहा हो येस और नो राइट आज भी हम जो अफगानिस्तान से सीख रहे हैं या ये बुक उठाई हमने उससे ये सीख रहे हैं कि फिजिकल स्टेट डज नॉट मैटर वेदर यू आर इन अफगानिस्तान सीरिया डज़ नॉट मैटर वॉट मैटर इसके दिमाग कितना सीरियस ले रहा है क्या दिमाग बोल रहा है कि ठीक है यार अभी तो डिवेस्टेशन में टाइम है अभी तो मेरे पास टाइम है थोड़ा सा आराम कर लो कोई ना कोई लॉटरी लग जाएगी कोई ना कोई घर में एक लाख डॉलर डाल देगा अकाउंट में मौला बापा से तस्वीर निकालते हैं ग्यारह सौ दाने की कोई ना कोई एक मिलियन डॉलर अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा और लाइफ सेट हो जाएगी ऐसा ही होगा यस और नो जबकि आप बोलोगे नहीं फजूल है मजाक करना बंद करो आज मेरे पास पैसे नहीं है मैं सीनियर हूँ या मेरे पास बहुत पैसे हैं बट मेरे पास कुछ करने के लिए मकसद नहीं है लाइफ में या आज मेरी हेल्थ ख़राब हो गई मुझे कल ही पता चला गॉड फॉब के मुझे डायबिटीज़ हो गया या ब्लड प्रेशर हो गया या कैंसर हो गया या मेरे फैमिली में किसी के साथ ऐसा हो गया कि मैं सोच नहीं सकता था अब क्या आप वेट करोगे कि खाली दुआएं करोगे सही हो जाए या उस माँ बाप की तरह बाहर निकलोगे बोलेगे खल्लास ब्रेड मुझे आज चाहिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं उसके लिए येस और नो कितने लोग अग्री करते हैं उस बात से तो जब आप उस सिचुएशन में आओगे ना तो आप सब छोड़ के यहाँ पे खड़े हो जाओगे तो आधा डिस्टेंस तो आपके दिमाग का था ना कि मुझे काम करना है या किसी की हेल्प का वेट करना है जब आपने सोच लिया किसी की हेल्प नहीं चाहिए ऊपर वाले के अलावा मैं ही इसका सोल्यूशन निकालूंगा रेज योर हैंड कितने लोग इस बात से अग्री कर रहे हैं तो स्टेट ऑफ वॉर शुरू हो जाएगी फिर या तो आप मार दोगे या तो मर जाओगे यस और नो राइट क्योंकि आप असली वॉर तो कर ही नहीं रहे तो मरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता हम तो काम करने की बात कर रहे हैं राइट right? तो काम करने से जिंदगी में कोई भी इंसान आज तक 2024 तक नहीं मरा आपने सुना है कभी अखबार में आया कि वो आदमी जॉब करते करते मर गया क्योंकि वो इतना काम करते हाँ नहीं करते करते जरूर मर गया होगा राइट कोई आदमी नहीं खा के नहीं मरा क्योंकि ऊपर वाले ने सबकी जमानत ली है फूड हाँ ओवर ईटिंग करके जरूर मर गया राइट सो द थिंग इज के जिस दिन आपने अपना तो हमें ये भी समझ आ गया एक दूसरी चीज बहुत स्ट्रांग समझ आई हमें कि ईक्यू क्या होता है ईक्यू होता है कि इमोशनली मैं कितना या कितनी पावरफुल हूँ और वो सोलह साल का बच्चा ज्यादा पावरफुल हो सकता है और अस्सी साल का बूढ़ा बहुत वीक हो सकता है येस और नो राइट तो आज अपने आप को आपको रेट करना है पेपर निकाल लो सब और कंसिडर जीरो टू हंड्रेड और बोलो यार हंड्रेड का मतलब है मैं रॉक सॉलिड हूँ मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती मेरा इतना पावरफुल रिश्ता है ऊपर वाले से और बड़े से बड़े मसले आ जाए मैं हिलूंगा नहीं और अपने आप से झूठ नहीं बोलना है ठीक है क्योंकि ग्रेड थोड़ी दे रहा है कोई राइट अपने आप को रेट करो आप इधर हो एट्टी परसेंट पर हो आप बोलो नहीं सिक्सटी पर हो बोलो नहीं भाई बहुत ही कमज़ोर हूँ फोर्टी पर हो बोले नहीं भाई उससे भी कमज़ोर हूँ बीस पर हूँ कहाँ पर हो लिखो पेपर पे लिखो चैट पे लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है समझो आप बोलो यार मैं सिक्सटी पर हूँ तो अपने आप से सवाल करो क्यों सिक्सटी पर हूँ एज तो सेवेंटी है रेटिंग सिक्सटी क्यों आ रही है ठीक है यार एज तो फोर्टी है रेटिंग सिक्सटी क्यों है तो पता चलेगा आपको जवाब मिलेगा नहीं यार हमेशा से बहुत पैम्पर्ड रहे ऊपर वाले ने सब आसानी से दे दिया नहीं आसानी से नहीं दिया बहुत मेहनत करके यहाँ तक आए अभी हाँ अभी सब मिल गया अब पैम्पर हो गए अब आदतें खराब हो गई राइट नहीं दोस्त अच्छे नहीं मिले शायद हमेशा से लोग ऐसे मिले कि लेग पुलिंग ही करते रहे तो कभी आगे बढ़ नहीं पाए, तो लिख लो उन दोस्तों के नाम भी लिख लो आज जिसको कल से अवॉइड करना ठीक है अलोन uh, राइट right? अकेले रह लेना ज्यादा बेहतर है वर्सेज टीचर्स uh, के साथ रहना जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे और ये ऑपोजिट भी हो सकता है कि ऐसे लोग फ़ाइंड करो अच्छा उनसे दोस्ती करना मुश्किल होगा क्योंकि जिसको आप आइडियलाइज करते हो वो ऑब्वियसली कोई ना कोई बिजी आदमी और औरत होगा एंड बिजी लोग टाइम नहीं देते और बिजी लोग फ्लैटर में भी नहीं आता यस और नो मैं सही कह रहा हूँ नाउ मैनी लाफिंग राइट तो हो सकता है कि बिज़ी आदमी आपको कम टाइम दे बट हर आदमी का कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा जिसके साथ आप उससे दोस्ती कर सकते हो तो फाइंड गुड पीपल ठीक है मतलब के लिए नहीं इसलिए कि यार मेरा उनके साथ रहने के साथ माइंड सेट बढ़ेगा हार्ट सेट स्ट्रॉन्ग होगा रॉबिन शर्मा क्या कहता है कि यू बिकेम इन एवरेज ऑफ सिक्स टू सेवन पीपल यू हैंग आउट विद किसी को पूछना है ना समझो मैं शौकत भाई को जानता भी नहीं लेकिन शौकत भाई के आसपास के पांच छः दोस्त जिनके साथ वो ट्वेंटी थर्टी परसेंट टाइम गुजारते हैं मुझे उनका पता तो मुझे अंदाज़ा होगा साइकोलॉजिकली कि शौकत भाई भी वैसे ही होंगे ज़्यादा थोड़े से उनसे अच्छे होंगे या तो बुरे होंगे उससे बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आ सकते इस बात से सब अग्री करते हो या साइकोलॉजिकल साइंस प्रूफ तो आप ये देखो दूसरा सवाल कि आपके दोस्त कैसे हैं और आपके रिलेटिव कैसे हैं ठीक है अब इसका मतलब ये नहीं कि सबको चेंज करना शुरू कर दो लेकिन यस जहां जहां ज़रूरत है गो एंड डू दैट इस बात से सब अग्री करते हो रेज योर हैंड्स ठीक है जिसको कहते हैं चेंज द एनवायरनमेंट ठीक है अब वॉर की जोन आ गई अब आपने बोला यार मैं इधर आ गया हूं आज मुझे अपनी हेल्थ वेल्थ हार्ट सेट माइंड सेट मेडिटेशन सुबह नहीं उठ सकता मैं क्यों नहीं उठ सकता बस अब मैं इस पॉइंट पे हूं कि मुझे उठना ही है वरना मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा दुनिया में मुझे हेल्प चाहिए ही चाहिए तो आप कर लोगे बिकॉज आपका आधा सफर जो माइंड का था जो छोटा सफर था वो आपने तय कर लिया अब आप इधर खड़े हुए हो और आप बोल रहे हो मैं एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ अभी तक आपने एक्शन लिया नहीं है आप कहाँ पे खड़े हुए हो मैं एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ और सर ये कहता है और अभी नरगे ने जो बात बोली उसके बाद तो बात ही खत्म हो गई राइट कि आप बुल बन गए हो अब आप काओ नहीं हो कि मैं भागते रहूं भागते रहूँ आपने बोला मैं खड़ा हूं जिसको आने आ जाए ठीक है जितनी हेल्थ खराब होनी हो जाए मैं इसको रिवर्स कर दूंगा मैं इस कैंसर को रिवर्स कर दूंगा मैं इस गुर्बत को रिवर्स कर दूंगा मैं ये लोनलीनेस को रिवर्स कर दूंगा मैं ये जो अनस्किल्ड लाइफ है मेरी के कोई मेरे से बात नहीं करता मैं अकेला रहता हूँ रहती हूँ मैं इसको रिवर्स कर दूंगा मेरे के सौ फ्रेंड होंगे मेरे पास टाइम नहीं होगा बट उनके पास मुझसे रहने के लिए टाइम अच्छा तो बहुत सारे लोग हासिल हैं क्योंकि मैं चार पांच ये कॉमन नीड है ना दुनिया की राइट थर्टी एट मिलियन पीपल आस्क फॉर द वर्ड हैप्पीनेस वो हैप्पीनेस ये चार ये ही वजह से पूछते हैं लोनलीनेस हाउ टू मेक मनी हाउ टू स्टे हेल्दी एंड हाउ टू गेट फेमस ये चार चीज दुनिया की नीड है लोग यही गूगल करते हैं हर एज में तो आपने जब सोचा कि यार मुझे एक्शन लेना है तो फिर आप ले लोगे अच्छा अब एक ऑनेस्ट honest सवाल ऑनेस्टली आंसर देना आप में से सारे लोग बहुत सारे लोग जो वीडियो लगा के भी आते हो दो साल से मेरे साथ आ रहे हो ठीक है कितने लोगों ने एक्शन लिया है your hands. One, two, three, four, five. अच्छा क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू जितने लोग वीडियो ऑन करके बैठे उन सब ने एक्शन लिया है अच्छा हो सकता है जिनमें से कुछ कम वीडियो बंद करके भी बैठे हुए हो या बहुत सारे लोग मुझे 1100, 1200 लोग ऑफलाइन सुनते हो आ, शायद उन लोगों ने एक्शन नहीं लिया हो आई डाउट ठीक है क्या वजह है कि एक ने एक्शन लिया एक ने नहीं लिया तो देखो दिल से दिया करो ऐसे नहीं लोग है कोई देख रहा है ठीक है अभी बहुत अच्छी सरोज ने भी बात बोली बहुत सारे लोग आके बताते हैं विच इज वेरी गुड और बताने से भी पता चल जाता है कौन कितना जेन्यून बोल रहा है बहुत सारे लोग नहीं बताते ठीक है कुछ लोगों का नेचर नहीं है लेकिन एक्शन होते रहना चाहिए ठीक है आप सबको जो चीज़ रोक रही है ना उसमें वो ही चीज आपको मदद करेगी जो अफगानिस्तान में उस फैमिली मेंबर ने किया जिसके बाद उसको एक डबल रोटी मिल जाए खिलाने के लिए अपने बच्चों के लिए और उसने क्या किया ये मैंने नहीं बताया सब आप लोगों ने नहीं बताया उसने सोचा कि मुझे सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो मैं करूँगी या करूंगा तो पहली चीज तो तैयार हो गए माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के सेक्रीफाइस करने के लिए कि एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा मैं ले नहीं पा रही कि हमको डरे कि यार फेल ना हो जाए लोग हंसे नहीं ठीक है मेरे पास तो रिसोर्सेस कम है मेरे पास तो पैसे कम है जो भी दस हजार रीजन आप अपने आप को देते हो उसको लिख लो और नेक्स्ट टाइम बोलना कि मैं आज इसको सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ जो भी होगा देख लेंगे ठीक है ऊपर वाले पे जब बोलते हो ना भरोसा है तो मुंह से नहीं बोलो करके बोलो कि यार बाकी भरोसा है और जो होगा वो देख लेगा ठीक है मैं डाइव कर रही राइट दूसरा किड्स का केयर कर लो सीनियर्स का केयर कर लो और अपने आप को खुद सीनियर और सीनियर समझ लिया तो कुछ नहीं कर पाओगे ठीक है ये किसकी बात है एज इज़ जस्ट द नंबर किसने बोला ये बात ठीक है अरे नंबर और किसी और ने भी बड़े ने ये बात कही है कि मैंने 16 साल के बूढ़े और 60 साल के जवान देखे राइट शायद इमाम रूमी का या किसी की बात है दोनों बात को मिला लो जवाब मिल जाएगा आप सिक्सटी साल के जवान हो या सिक्सटी साल में नाइन्टी वाली हरकतें कर रहे हो ये आपको सोचना है येस और नो आज आप गूगल कर लो आपको सिक्सटी साल के अचीवर्स मिल जाएंगे ठीक है के वाले बूढ़े बाबा ने सिक्सटी एट की एज पे दुनिया भर में के खोला था शुरू कर पहले से नहीं किया उस एज में अब आप बोलो वो एलियन था आप ही की तरह का इंसान था राइट यस और नो ठीक है तो किसी ना किसी और ऐसी कितनी स्टोरीज हैं ठीक है जो अभी जैसे परवीन ने बोला ना किसी के हस्बैंड को टेक केयर करना है मैं नाम नहीं लूँगा मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो अनफॉर्चुनेटली इस सिचुएशन में है मगर वो बहुत अचीवड है वो बहुत कुछ करते हैं उनकी केयर करने के साथ साथ सो कैपेसिटी आपकी अपनी है राइट यहाँ पे शायद वो बात याद आ गई कि प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी जब बीबी फातिमा जब जाके लोगों को देखा करती थी और कहती थी वो इतना काम करती थी कि उनके पास सर्वेंट्स नहीं थे कि कोई मर भी जाता था ना इलाके में और रात को एक दो बजे कोई खटका रहा है कि यार कोई मर गया डेथ हो गई तो वो जाके पर्सनली उसका सब सामान अरेंज करती थी जरा प्रॉफिट को बोला इंसान है ब्रोक हो जाते हैं कभी कभार टूट जाता है हालांकि प्रॉफिट की बेटी है तो बहुत स्ट्रॉन्ग सोल और पर्सनैलिटी के साथ बॉन हुई है बोला प्रॉफिट थक जाती हूँ तो उस वक्त वो तस्वीर है राइट जो हम पढ़ते हैं राइट भी भी लेकिन ऊपर वाले ने क्यों दिखाया ये ये सिचुएशन क्यों क्योंकि उसको पता है कल को मेरा बंदा भी थक जाएगा तो जब वो थकेगा तो उसको मैं कैसे मदद करूंगा आपको पता है इसके पीछे पूरी सूफी इजम है कि अगर खाने को रोटी नहीं है ना तो ऊपर वाले का नाम भी पेट भर देता और ये आपको और मुझे समझ नहीं आएगा लेकिन ये जब मैं इन जगहों के बड़ों से बैठता हूँ ना और मैं बोलता हूँ कि यार एक आदमी जिसके पास ग्यारह दिन से खाना नहीं है वो टेक्निकली कैसे सरवाइव कर रहा है तो उसने बोला अल्लाह का नाम लेके सरवाइव कर रहा है और ये चीज़ें आपके सूफीज़म के लिटरेचर में है ठीक है मैं उसका रेफरेंस अभी नहीं देना चाहूँगा लेकिन अबोली अब बोलिए मिश्री ने एक ज़माने में कहा था बादशाह जी के पार्ट पढ़ लो उसमें ये बात लिखी हुई है कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि ज़माने में खाने को नहीं होगा ठीक है आगे की बात की है उस जमाने में लोग ऊपर वाले का नाम लेके पेट भर लिया करेंगे आज भी मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ लोग ये कर रहे हैं येस और नो आप इस बात से अग्री करते हो तो हमें ये बात इसलिए नहीं पता कि यार हम तो ब्लेस्ड लोग हैं ना हम हम तो खाते हैं इज्जत से सब कुछ करते हैं ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया हमारा मसला क्या है कि हमें टोयोटा कैमरी से मर्सिडीज चाहिए या मर्सिडीज से कोरवेट चाहिए या जैगवर चाहिए या यू नो बड़ी गाड़ियाँ चाहिए ठीक है हमारे लिए तो छोटे मसले है ही नहीं जो ऊपर वाले ने इतने लोग हमको तो पता ही नहीं है वो मसले कितने लोग इस बात से आज अग्री करते हो रेज योर हैंड ठीक है तो शुक्र अलहमदिल्ला करो दिल से ऊपर वाले का कि ऊपर वाले थैंक यू तूने हमें बहुत प्रोटेक्टेड रखा और शायद ये सब सुनने के बाद आपके अंदर और शुक्र गुजारी पड़ जाए यस और नो लेकिन परसों आप फिर आपके पड़ोस वाला कोई अच्छी गाड़ी ले लेगा ले तो आप वापस से थैंकलेस हो जाओगे बोलो अरे यार मेरी तो आज गाड़ी मुझे अच्छी नहीं लग रही या मेरी तो जॉब मुझे अच्छी नहीं लग रही क्योंकि मेरे दोस्त की ग्रोथ हो गई और मैं पाँच हज़ार डॉलर बना रहा था वो दस हज़ार डॉलर बना रहा है तो मेरे लिए तो मसला हो गया मैंने तो लाइफ में कुछ किया ही नहीं येस और नो इसलिए हमेशा अपने आप को नीचे वाले को देखो लेकिन एक्शन के लिए तैयार रहो वो लोग जो वेट करते रहते हैं कि कोई आएगा कोई सेव करेगा कोई बैंक में अकाउंट पैसे डाल के जाएगा कोई स्किल सिखा के जाएगा कोई दोस्त कोई नहीं आएगा ये बात से सब अग्री करते हैं कोई आएगा आप खुद ही आओगे अपने लिए अगर आप अपने लिए नहीं आ सके तो कोई भी नहीं आएगा यस और नो रेस करो आज इस बात को समझ लो बहुत ऑनेस्टली के साथ दिल पे हाथ रखे कि आप आओगे तो खुद आओगे वरना कोई नहीं आएगा ठीक है और ऊपर वाला भी भेजेगा ना तो आपको ही भेजेगा अपने लिए और कोई नहीं आएगा करने यस और नो ठीक है तो एक्शन करने के लिए टेक द स्ट्रेंथ फ्रॉम गॉड ऊपर वाले बोलो मुझे ताकत दे कि मैं कुछ कर सकूँ ये इट्स सेल्फ बहुत बड़ा पावरफुल सीक्रेट है आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को पढ़ोगे ना वो किसी ना किसी मकैनिज्म से प्रे करते हैं चाहे वो वॉर बुफेड मिलियंस ऑफ लोगों को खाना खिलाता हो चाहे वो बिल गेट्स पोलियो के इंजेक्शन अफ्रीका भर में जा के देता हो मैं परसों एक स्टोरी सुन रहा था शायद किसी ने भेजी कि एक फ्लाइट अटेंडेंट बांग्लादेश में उतरी और उसने बांग्लादेश में उतर के वहाँ की गरीबी देख ली शायद शहनाज ने भेजा था लोखंड वालन ने आई नो नहीं अपने ही ग्रुप से किसी ने मुझे भेजा था तो और उसने ग्यारह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लिए ग्यारह या सात और एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने स्ट्रांगेस्ट वुमेन का लिया और नॉर्मल सी लड़की नॉर्मल सी लेडी और ऐसी स्ट्रेंथ की चीजें उसने की के लोग हिल गए कि तुम्हारा कोई एथलेटिक बैकग्राउंड नहीं है तुमने एज ए नॉर्मल फ्लाइट अटेंडेंट कैसे किया है तो उसने बोला मैंने इसलिए किया कि मैंने ऊपर वाले से स्ट्रेंथ मांगा तो मैं बांग्लादेश जब उतरी और फ्लाइट में रिपेयर हो रहा था दो तीन दिन में बैठी हुई थी तो मैंने देखा वहाँ मैं गुरबत बहुत गरीब एरिया में और मैंने देखा बच्चियाँ बच्चे बैठे हुए खाने को नहीं है पढ़ने को नहीं है इतने टैलेंटेड लोग उसने कहा मुझे आधे घंटे में समझ आ गया ये पढ़ना चाहते हैं उस तो उसने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया उसने बोला मैं इनको पढ़ाऊंगी उसने बोला मैं ट्वेंटी डॉलर एन आवर वाली सैलरी अपने लिए कुछ नहीं कर सकती उस चार सौ बच्चों के लिए क्या करूंगी तो उसने कहा कि वो जो एक दो दिन में उनके पास रही मैंने उन चार सौ में से कहा कि मैं तुमसे में से एक सौ एक बच्चों को ज़रूर पढ़ाऊंगी चार सौ को नहीं पढ़ाऊंगी कैसे पढ़ाऊंगी पता नहीं उसने बोला दो हज़ार पाँच में मैंने प्रॉमिस किया था और 2011 तक मैंने सात गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड ले लिए अलग अलग चीज़ों में और ऐसे रिकॉर्ड लिए जिससे प्राइस मनी जो हो ना उससे मैं इस बच्चों को तो उसको भी रिसेंटली दुबई इनवाइट किया हुआ था और बहुत बड़े जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें उसको इम्पैक्ट अवार्ड दिया और उसको बताया कि तुमने इतने सात गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड लिए भारी भारी काम किए उसने बोला सबसे मुश्किल क्या काम था तुम्हारे लिए तो उसने बोला सबसे मुश्किल काम वो प्रॉमिस जो अपने आप से किया था कि एक सौ एक बच्चों को पढ़ाऊंगी वो था और उसके बाद मुझे किसी ने बोला कि ये पॉसिबल हो जाएगा जब तुम रोज ऊपर वाले से स्ट्रेंथ मांगो कि मुझे ये करना दे मुझे करने की ताकत दे मुझे कर उसने बोला आज दुनिया देखती है और मैं करे जा रही हूँ मुझे पता ही नहीं कैसे हो रहा है सो आपको भी कुछ करना है ना तो शायद ऊपर वाले से स्ट्रेंथ मांगने से मिल जाएगी कितने लोगों का इस चीज़ पे ईमान है यस और नो राइट सो लेट्स क्ला फॉर योरसेल्फ सेल्फ तो अपने आपको एक अच्छी सी पैट ऑन द बैग दे दो कि ठीक है आप दुनिया में बेकार नहीं हो यू कैन ऑल्सो डू इट दुनिया को आप भी हिला सकते हो इसी उम्र में बैठे हुए हिला सकते हो इफ़ यू थिंक यू कैन यू आर राइट इफ यू थिंक यू कैन नॉट इवन देन यू आर राइट थैंक यू वेरी मच टेक केयर